चुनाव का ऐलान होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिक्रमा पथ पर हैं। टारगेट है उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें और इस मिशन के लिए योगी जनता की नब्ज पकड़ने निकल चुके हैं। इधर यूपी की जनता जनार्दन ने भी कह दिया है कि मोदी जी 400 पार करेंगे, यह तय है। हम आपके लिए लेकर आएंगे एक स्पेशल रिपोर्ट, परिक्रमा पथ, योगी आदित्यनाथ की वो शपथ, देखिए जरा। चलिए, क्या क्या योजना का लाभ मिला आप लोगों को? गोबर से खाओगे ना? पीएम मोदी ने 24 के लिए 400 का टारगेट सेट कर दिया। इस मेगा टारगेट को अचीव करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सीएम आदित्यनाथ योगी के कंधे पर। यूपी में की बार 80 की 80 सीटों पर अगर कमल खिल गया तो समझिए मिशन अकम्प्लिश्ड। सीएम योगी भी इस टारगेट और जिम्मेदारी से अच्छी तरह से वाकिफ है और यही वजह कि न सिर्फ खुद बल्कि अपनी पूरी टीम को ग्राम परिक्रमा यात्रा पर उतार दिया। देश का दिल गांव में बसता है और जिसने भी गांव और गांव वालों की नब्ज पकड़ ली समझो काम हो गया। सीएम योगी गोरखपुर के वन टांगिया गांव में लोगों के बीच पहुंचे तो उनके कैबिनेट सहयोगी नंद गोपाल नंदी गांव में रात बिता रहे हैं, जबकि मंत्री स्वतंत्र देव सिंह गांव के मंदिर में ही शिव आराधना में रम गए। मुख्यमंत्री योगी जब वन टांगिया गांव पहुंचे तो लगा कि एक सामान्य बीजेपी कार्यकर्ता गांव की पगडंडियों पर घूम रहा। बिना किसी लाव लश्कर के सीएम योगी पैदल चल पड़े, पगडंडियों से होते हुए एक एक परिवार से मिले, मानो कोई अपना उनसे मिलने आए। देखिए कैसे बच्चा अपनी माँ की गोद से बिना असहज हुए सीएम योगी की गोद में चला गया। खाओगे ना? सीएम योगी का ये अंदाज शायद ही आपने इससे पहले देखा हो। हर घर के सामने उनका फूल बरसाकर स्वागत किया गया। महिलाएं पहले से फूलों की पंखड़ियां थाली में सजाकर खड़ी थी। इनको भी आवास योजना का लाभ मिला है और क्या क्या मिला है? आवास मिला है और शौचालय मिला, राशन कार्ड मिलता है, आयुष्मान कार्ड वो भी बन गया है, वो भी करवा देना। ठीक है, टीका लगाएगी हो गया। वन टांगिया से सीएम योगी का मैसेज क्लियर था, हर पात्र को सरकारी योजनाओं का 100% लाभ, जिससे परिवार सशक्त होगा और फिर बूथ मजबूत होगा। 2014 के पहले गांव को कोई पूछता नहीं था, गरीब के बारे में कोई पूछने वाला नहीं था, महिलाओं के बारे में कोई पूछता नहीं था, नौजवानों का कोई हालचाल लेने वाला नहीं था, किसान तबाह था, गरीब भूखों मरता था, किसान आत्महत्या करता था। और आज गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के लिए सरकार की योजनाएं कितनी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रही हैं, यह आज हम सब देख सकते हैं। अब सीएम योगी की ग्राम परिक्रमा के मायने समझिए। पीएम मोदी अक्सर इन चार जातियों का जिक्र करते हैं, किसान, युवा, महिला और गरीब। विपक्ष चाहे छाती पीटता रहे, हाय जाति करता रहे, मगर मोदी के लिए इन चार के अलावा कोई और जाति नहीं। इन चारों के उत्थान के लिए सरकार काम कर रही है। सीएम योगी भी ग्राम परिक्रमा के दौरान महिलाओं से खास तौर पर मिल रहे हैं, उनसे सरकारी योजनाओं के लाभ की जानकारी ले रहे हैं। आपका नाम क्या है? शीला देवी। आपको क्या क्या मिला है, शासन क्या क्या योजना मिला का लाभ मिला है? पहले तो हम लोग को उजला गैस मिला, उसके बाद आवास मिला, शौचालय मिला, बहुत सुंदर, बच्चों के पढ़ने के लिए केंद्र मिला, बहुत सुंदर, उसके बाद छोटे बच्चे जो हमारे गांव में इधर उधर भटकते थे उनको लिए अंगनवाड़ी मिला। वाह, तो अब पहले ठीक था या अब ठीक है?
अब ठीक है, अब ठीक है ना। और एक चीज, हम लोग एक चीज से बहुत मारे जाते थे पहले, गांव में मेरे रोड नहीं था तो इसलिए हमारे घर के बेटियों बहन की जो विदाई होती थी वो द्वार पर से नहीं हो पाती थी, वो हमको उनको लेकर आना पड़ता था रोड पर। अब तो हमारे द्वार से बेटी बहन चढ़ के जाती है। अब बताओ, जब आपके पास आवास नहीं था तब क्या करते थे? तब हम लोग खर काट के ले आते थे इधर उधर से, फिर कोरोबाती बांस उस खरीद के बनाते थे, उसके बाद मड़ई छाने के लिए मिस्त्री खोजते थे, तब छवाता था घर। बहुत सुंदर, लेकिन अब तो कोई समस्या नहीं है ना? अब कोई समस्या नहीं है। अच्छा, ये हम लोगों ने फ्री में भी दो सिलेंडर देने की बात की है, एक तो दीपावली में दिया था। हाँ, ये उसका लाभ? हाँ मिला। ओ, अभी तो होली में फिर मिलने वाला। हाँ, मिलेगा ना? हाँ मिलेगा। और राशन रोशन में राशन मिलता है? हाँ मिलता है। बहुत सुंदर, देखिए यही होती है, अच्छी सरकार चुनी जाती है तो ऐसे लाभ मिलता है। तो हम लोग तो एकदम माथ मुड़ा के आपके पीछे हैं। हाँ, एकदम सब लोग लगे अच्छे विकास के क्रम पढ़िए, बच्चों का भविष्य बनाइए, ठीक है। महिलाओं पर फोकस की वजह समझने के लिए एक बार इन आंकड़ों पर नजर डालें। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29% महिला वोट मिले, 2019 में बढ़कर 36% हुए। इस बीच 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो यूपी में बीजेपी को 46% महिला वोट मिले, जो उसकी बंपर जीत की वजह बने। पीएम मोदी गरीब को एक जाति बताते हैं, इस तबके के उत्थान के लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है और बहुत हद तक कामयाब हुई। वह देश का गरीब तबका, इसके लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जद्दोजहद पुरानी बात है, क्योंकि ये आधारभूत जरूरतें मोदी सरकार पूरा कर रही है। जमीन पर इसका कितना असर दिख रहा है, इसे सीएम योगी चेक कर रहे हैं। बताइए चलिए, क्या क्या योजना का लाभ मिला आप लोगों को? शौचालय मिला है, आवास मिला है, पेंशन मिला है, राशन कार्ड मिला, आयुष्मान कार्ड मिला, सबका ना। तो ये सब लॉकी वगैरह सब इसी पे लग रही है, इसी थोड़ा पैसा भी लोग कुछ पा जाते हैं। बच्चे क्या क्या हैं? बच्चे पढ़ते हैं। कौन कौन क्लास में? एक तो सिक्स क्लास में पढ़ता है और बच्चिया। ये क्या कर रही है, कौन है? बहने हैं। और वो भी बहने हैं, ठीक है। बहुत सुंदर, लो जा ले लीजिए, लेके जाओ, डॉक्टर साहब लेके जाओ, खुश हो जाओ। ये मोदी युवाओं को एक जाति बताते हैं। मोदी सरकार इन युवाओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही, देश भर के युवाओं के लिए कई तरह की स्कीम चला रही है। ये योजनाओं का ग्राउंड पर 100% पहुंच रही है या नहीं, इसे सीएम योगी गांव गांव घूम कर परख रहे हैं। आवास लेता तो स्कूल पढ़ती है, रुको पहले, स्कूल जाती है, कौन क्लास में पढ़ती है? सात में आ रही है, दस में। इनको क्या कोई सुविधा का लाभ मिला? आप एक तरफ बैठिए, इनको आवास मिला है, शौचालय मिला है, राशन मकान ठीक ढंग से बनाने। हाँ, अभी बनाओ ठीक ढंग से। पैसे को कोई समस्या आ रही क्या? नहीं, जितना पैसा मिला था उतने थोड़ा सा एरिया बढ़ा ली थी इस नाते। पकड़ो इसको, राशन कार्ड मिला है, आयुष्मान का कार्ड बन गया, स्कूल जाती है ना, दोनों लोग स्कूल जा रहे हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में 1.5 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, यानी इतने लोग पहली बार वोट डालेंगे। इन सब की उम्र 18 से 25 साल के बीच। 2019 के जरिए एक नजर किसानों के लिए चलाई जा रही बड़ी योजनाओं पर। सबसे पहली और अहम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसके तहत हर साल 6,000 रुपए 3 किश्तों में किसानों के खाते में डाले जाते हैं। इसी तरह फसल बीमा योजना और पीएम कृषि सिंचाई योजना भी किसानों के लिए अहम। इस तरह की कई योजनाएं हैं जो पिछले 10 सालों में किसानों को काफी फायदा पहुंचा चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा सो करके दिखाया, हर क्षेत्र में परिवर्तन आया है। गन्ना किसानों के जीवन में परिवर्तन का हो और प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार आने का कारण अन्नदाता किसान था,
हमने कहा था ना कि अन्नदाता किसान का कर्ज माफ करेंगे। पहली कैबिनेट उत्तर प्रदेश के अंदर 86 लाख किसानों का कर्ज माफी के कार्यक्रम से सब प्रारंभ होता है। एक और यूपी समेत पूरे देश में इंडिया गठबंधन तार तार हो चुका है। अखिलेश और जयंत चौधरी की राहें जुदा हो चुकी हैं। सीट शेयरिंग का फंसा पींच और टाइट होता जा रहा है। दूसरी ओर सीएम योगी यूपी में 100% स्ट्राइक रेट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दिन रात जनता के बीच है। शाबाश भाई, सही रही है।